रिपोर्ट है सूचकांक का, तो आप देखेंगे वैश्विक कैंसर बर्डन रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो इसमें आपको दो चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, रैंक को आपको ध्यान में रखना होता है और किस संस्था के द्वारा जारी की गई। एग्जाम में हमेशा पूछता है, ठीक है, 69 बीपीएस से ही पूछा था, और हमेशा पूछता है किस संस्था के द्वारा कौन सी रिपोर्ट को जारी की जाती है, ठीक है। और कभी कभी पूछता है मतलब वो संस्था जो रिपोर्ट जारी करती है किससे संबंधित है, ये भी प्रश्न पूछता है। तो अभी चले मैं आपसे बात करूं वैश्विक कैंसर वर्डन रिपोर्ट, ठीक है, किसके द्वारा जारी की गई है, विश्व विश्व स्वास्थ्य स्वास्थ्य संगठन की संगठन इंटरनेशनल एजेंसी, ठीक है, WHO की एक इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम क्या है, फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की इंटरनेशनल एजेंसी है जिसका नाम है फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, ने रिपोर्ट को जारी किया है, ठीक है। इसमें रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है, तो अगली तिमाही सदी में दुनिया भर में कैंसर की दर मतलब क्या दोगुनी होने की संभावना है, ठीक है, मतलब काफी डरावना रिपोर्ट है। इसमें बताया गया अगली तिमाही सदी में दुनिया भर में कैंसर की दर मतलब क्या हो जाएगी, दोगुना होने की संभावना है, ठीक है। इसमें अब तक 2050 के बीच 2050 के निम्न स्तर के विकास वाले देशों की कैंसर की दर से, ठीक है, 142% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया, मतलब समझ रहे सीधे दोगुना से भी अधिक हो जाएगा, ठीक है। कैंसर मूनशॉट स्कॉलर्स कार्यक्रम, इसका उद्देश्य 25 वर्षों में अमेरिका में कैंसर से होने वाली मौतों को आधा करना, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। ये कैंसर मूनशॉट स्कॉलर्स प्रोग्राम की बात करेंगे, देख कहाँ की प्रोग्राम है, ये अमेरिका कहाँ के विश्व प्रोग्राम है, ठीक है, यूएसए संगठन के प्रोग्राम है, ठीक है ना, यूएसए में। इसका उद्देश्य 25 वर्षों में अमेरिका में कैंसर से होने वाले मौत को क्या करना, आधा करना, ठीक है। तो कैंसर मून शॉट स्कॉलर्स, सीधे कैंसर तो लिखा हुआ नहीं रहेगा, अगर पूछेगा मून शॉट स्कॉलर्स कार्यक्रम का संबंध किससे है, तो किससे बताओगे आप, कैंसर से है, जिसका कैंसर उद्देश्य क्या है, तो अमेरिका में कैंसर से होने वाले मौतों की संख्या को मतलब क्या करना, आधा करना, ठीक है। आधा का अभी जो रिपोर्ट आई है वैश्विक कैंसर बर्डन रिपोर्ट आई, जिसे पता चलता है से 2050 के बीच में निम्न स्तर के विकास वाले देश, ठीक है, मतलब हम लोग किसमें आते हैं, हम लोग आते हैं मध्यम स्तर में आते हैं, ठीक है, उससे भी एक नीचे डेवलपिंग निम्न स्तर होता है, ठीक है, वहां पे कैंसर की दर की 145% की वृद्धि होने का अनुमान है, ठीक है, 142% मतलब हाइक करेगी, ठीक है। चलिए अब देखेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा रिपोर्ट आई है, ठीक है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा रिपोर्ट आई, तो जाहिर सी बात है वित्त मंत्रालय से संबंधित ही होगी, वित्त मंत्रालय का कौन सा मामला है, तो आर्थिक मामलों के विभाग वित्त मंत्रालय के द्वारा द इंडियन इकोनॉमी अ रिव्यू शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी की, शीर्षक का नाम क्या है, द इंडियन इंडियन इकोनॉमी इकोनॉमी ए रिव्यू शीर्षक ने एक रिपोर्ट जारी किया। इसमें क्या क्या चीज दिया गया है, तो अंतरिम बजट 2024 से पहले कोई आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं किया गया था, इस बार कोई आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं हुआ है, इस बार का बजट भी था अंतरिम बजट था, अंतिम बजट आपको पता है इसे बजट साल भर के लिए आती है, लेकिन बीच में अगर सरकार का अगर कार्यकाल अगर समाप्त होने वाला हो तो वैसे कंडीशन में, ठीक है, अंतरिम बजट को प्रस्तुत किया जाता है, फिर नई सरकार आती है तो फिर बजट को नए स्तर से मतलब लेकर आएगी, ठीक है। इसके बजाय केंद्र ने पिछले 10 वर्षों में भारत की यात्रा पे भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है, कितने वर्षों का, 10 वर्षों का, मतलब ये चीजों को दस दिखाया गया था, 10 वर्षों का, जानते हैं 2014 से लेके 2024 तक किसकी शासन रही है, एनडीए की शासन रही है, तो इन सारे चीजों को इसमें दिखाया गया है, ठीक है। रिपोर्ट की बात करेंगे किसके कार्यालय द्वारा तैयार किया गया, तो अनंत नागेश्वरन के कार्यालय के द्वारा इनको तैयार किया गया, ठीक है, अनंत नागेश्वरन ध्यान में रखेंगे, तो ये क्या है, अनंत नागेश्वरन इनके पास है ना, किस क्या चीज है ये, आर्थिक वित्त सचिव है सर क्या ये, नहीं कुछ है वित्त से ही आर्थिक संबंधित है, एक बार ध्यान में रखना है, देख लीजिएगा अनंत नागेश्वरन, लेकिन वित्त है सचिव, हाँ मतलब कुछ बड़े पद पे है, ठीक आर्थिक है, वित्त सलाहकार है सर, आर्थिक वित्त आर्थिक सलाहकार वित्त सलाहकार है, ठीक ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब हम देखेंगे इस रिपोर्ट में क्या क्या चीज कही गई, तो सबसे पहले भारत अगले 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा, अगले 3 वर्षों तक हम लोग कितने ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, ठीक है, पांच अगले ट्रिलियन 3 वर्षों में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन रहा है, और जब हम $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनेंगे तो विश्व की कितनी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग बन जाएंगे, ठीक तीसरी अर्थव्यवस्था है, बनने थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था जो है हम लोग बन जाएंगे, ठीक है, कितनी बन जाएंगे, थर्ड लार्जेस्ट अर्थव्यवस्था हम लोग वाली बन जाएंगे, ठीक है। अभी हम लोग कितने नंबर पे है, फिफ्थ पे है, ठीक है, छह नंबर किस पे है अभी पे हम, पांचवी नंबर पे, ठीक है, अभी हमारी जो अर्थव्यवस्था जो है पांचवी नंबर पे है, लेकिन हम लोग कुछ मतलब 3 वर्षों के दौरान हम लोग क्या हुए, 5 ट्रिलियन के होते ही हम लोग तीसरी नंबर का बन जाएंगे, ठीक है। और 2030 तक क्या लक्ष्य रखा गया पता है, $7 ट्रिलियन की आकांक्षा पे हो सकता है, ठीक है, मतलब 2030 तक हमारी अर्थव्यवस्था कितनी ट्रिलियन डॉलर की हो सकती है, सेवन, ठीक सात है, ध्यान ट्रिलियन रखेंगे कितना, 7, बिल्कुल ठीक है, $7 ट्रिलियन,
संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। तो फिनटेक अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्रिटेन के बाद भारत तीसरी सबसे बड़ी फिनटेक अर्थव्यवस्था है, ठीक है। महिला बैंक फिनटेक खाता धारकों अर्थव्यवस्था की फिनटेक नहीं समझते, फिनटेक फिनटेक ना, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन नहीं, फिनटेक ऑनलाइन वगैरह मतलब जो होता है ना सब फिनटेक होता है। जैसे आप अनअकैडमी पे पढ़ते हैं, ठीक है, आप क्या बोल रहे हैं, आप किसी एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ाई वगैरह कर, जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़ा होता है सबको फिनटेक कहते हैं, ठीक है। आप देखेंगे महिला बैंक खाता धारकों की संख्या 2015-16 में 53% से बढ़कर 2019-21 में कितनी प्रतिशत हो गई, ये सब डाटा इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, ठीक है। कितने प्रतिशत हो गई, 78.6% हो गई, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 2015-16 में कितनी थी, 53%। था बात के कितने प्रतिशत था, ध्यान रखिएगा 53% था, जो कि 19-21 में बढ़कर कितनी प्रतिशत हो गई, तो क्या बताएंगे, 78.6% हो गई, ठीक है। महिला श्रम बल भागीदारी दर, ठीक है, महिला श्रम बल भागीदार मतलब महिलाओं का मतलब कार्य में क्या योगदान है, 2017-18 में, ठीक है, ध्यान रखिए कितनी प्रतिशत थी, तो मात्र 23.3% थी, मतलब 100 में से, मतलब समझ 100 में से 23.3 महिला जो थी कार्यरत थी, 1000 पे निकालते हैं, 100 पे नहीं निकलता एक्चुअली में, ठीक है, उतना थी। लेकिन यही 2022-23 में बढ़कर कितना हो गई, 37%। इसको आप लोग जो कॉपी में नोट कीजिएगा ना, तो यहाँ पे आप लिख दीजिएगा महिला, ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, कि महिला एग्जाम में आएगा, महिला बल, ठीक है, भागीदारी, ठीक है। और यहाँ पे लिखिएगा 2017-18, 2017-18 में कितना था ये, 23.3%, ठीक है। और ये 2022-23 में कितना हो गया, ठीक है, 2022-23 में कितना होगा, 37% हो गया, ठीक है। जो इसको आप क्या महिला का जॉब करोगे, है, अब महिला मतलब कितने महिला महिला कार्यरत हैं, कार्यरत कितना महिला है, ठीक जैसे है। तो बिहार पुलिस टॉप पे हो जाएगा, तो पुलिस विभाग में विभाग तो में बिहार टॉप है, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह निकलता पूरा देश का निकलता है, बिहार का नहीं निकलता है, ठीक है, किसी एक विभाग का नहीं निकलता। महिला कार्यरत कितना है, अब किसी भी विभाग में काम करे, ठीक है, महिला अगर कार्यरत है तो उसके अनुसार डाटा तैयार होता है, ठीक है। आप देखिए उच्च शिक्षा में महिला सकल नामांकन का अनुपात की बात करेंगे तो वर्ष 2001 में 6.7% से बढ़कर, ठीक है, वर्ष 2021 में 27.9% हो गया। किसमें बात हो रहा है, उच्च शिक्षा में, ठीक है, हायर एजुकेशन की बात हो रहा है। 2001 में मात्र 6.7% था, जो कि वर्ष 2021 में बढ़कर कितना होता है, 27.9% हो गया, ठीक है। फिनेंशियल ईयर 5 और फिनेंशियल ईयर 22 के जी मध्य, ठीक है, जीईआर की बात करेंगे 24.5% से दोगुना होकर 58.2% हो गया, ठीक है। ध्यान में जीईआर का मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब ये महिला सकल नामांकन अनुपात, ठीक है, ये मतलब क्या होगा, सीधे मतलब क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। अब आते हैं जीएसटी के मामले में, ठीक है। जीएसटी को अपनाने, घरेलू बाजारों के एकीकरण और उत्पादन के लिए प्रोत्साहन में वृद्धि से आर्थिक दक्षता में वृद्धि हुई, और इसके बाद रसद लागत में क्या हुई है, कमी आती है। मतलब जीएसटी में भी आप देखेंगे तो उसके मतलब उसका आर्थिक दक्षता जीएसटी की वजह से काफी अधिक मतलब क्या हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ। जी हाँ ठीक है। अब यहाँ पे देखें कुछ डाटा जो है ना, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 वर्ष में हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की होगी, 2030 तक हमारी इकोनॉमी कितनी होगी, 7 ट्रिलियन की होगी, ठीक है। महिला बैंक के खाता धारकों की संख्या की बात करेंगे, 15-16 में 53% था, अब जाके 78.6% हो गया, ठीक है। महिला श्रम बल भागीदारी की बात करेंगे, 17-18 में 23.3% था, वही बढ़कर कितना हो गया, 22-23 में 37% हो गया, ठीक है। नामांकन की बात करें, ठीक है, उच्च शिक्षा में 2001 में मात्र 6.7% था, अब वर्ष 2021 में 27.9% हो गया, ठीक है। तो ये सारा डाटा जो है सो आप लोग इसको एक बार पढ़ेंगे तो चीजें आपको दिमाग में रहेगी, ठीक है। देश का पहले आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुत किया गया था, ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, ठीक है। देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण का प्रस्तुत किया गया है, ठीक है, तो 1950-51 में देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण क्या था, प्रस्तुत किया गया था। इंपोर्टेंट डाटा है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और ये आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट को एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे, कब से कब तक किए जाते थे, ठीक है, तो 1964 तक, 1964 तक आर्थिक सर्वेक्षण और केंद्रीय बजट एक साथ प्रस्तुत किए जाते थे। लेकिन अब क्या होता है, बजट पहले आता है कि आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले आता है, आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले आता है, आर्थिक सर्वेक्षण एक दिन पहले एक दिन आता है और पहले बजट एक दिन आर्थिक बाद आता सर्वेक्षण है। आता है, ठीक है।
हाँ बात तो हुई है, एक दिन पहले आएगा तो बाद ही आएगा, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण क्या होता है, एक दिन पहले आता है, ठीक है, उसके बाद मतलब क्या आता है, बजट आता है, ठीक है। तो बजट कब आता है, बजट कितने तारीख को आता है, 1 फरवरी ठीक को, एक है, 1 फरवरी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है, फरवरी 21 जनवरी 28 या 29 जनवरी को आता इक्कीस है। इक्कीस ठीक है, 28 29 जनवरी को है, 31 जनवरी को, 31 का होता है जनवरी महीना, ठीक है। वर्किंग डिपेंड वर्किंग डे रहता है, महीना का आखिरी दिन वर्किंग डे होना चाहिए, ठीक है, ध्यान में रखना है। 31 जनवरी को भी आ सकता है, 30 को भी आ सकता है, डिपेंड वो रहता है, ठीक है। सॉरी हटाइए, देख लीजिए, लेकिन एक दिन पहले आता, बस इसको आप यही आपको ध्यान रखना है, कितने तारीख को आता, तारीख इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन बजट का तारीख इंपोर्टेंट है, ठीक है। और 1964 तक बात करेंगे, दोनों एक साथ आता था, देश का पहला आर्थिक सर्वेक्षण की बात करेंगे, 50-51 में प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। अब आते हैं टम टम, टम टम की बात करेंगे, ट्रैफिक इंडेक्स प्रस्तुत करती है, कौन सा इंडेक्स देती है ये टम टम, ट्रैफिक इंडेक्स। टॉम टॉम, ठीक है। दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला सबसे स्लो शहर में कौन सा शहर आया इस इंडेक्स में, ठीक है, सबसे बेंगलुरु स्लो शहर बैंगलोर, ठीक है, ध्यान रखिए। बैंगलोर की बात करेंगे तो सबसे स्लो सिटी है, ठीक है, मतलब एक बार ट्रैफिक में फंस गए तो समझिए आपका कल्याण हो गया, ठीक है, ध्यान रखिए। तो इस इंडेक्स में बैंगलोर को दुनिया का छठा सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया, भारत में कितने नंबर पे है, ठीक है, भारत में बात करेंगे पहला नंबर पे, ठीक है। और दुनिया में सबसे पहला नंबर पे भीड़ भाड़ वाला शहर की बात करेंगे तो लंदन निकल कर आया, ठीक है, कितना है, लंदन, ठीक है। अरे वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में बात करेंगे तो लंदन पहले नंबर पे है, भारत में पहले नंबर पे कौन है, तो बेंगलुरु, ठीक है, कौन है, बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु है, हमको ठीक है। हाँ लगा दिल्ली होना चाहिए, तो मानना पड़ेगा दिल्ली। नहीं, बेंगलुरु की स्थिति और खराब है, ठीक है। वर्ल्ड में कितने नंबर पे, बेंगलुरु 6 नंबर पे, ठीक है, और दुनिया में पहले नंबर पे कौन है, तो लंदन पहले नंबर पे है, ठीक है। चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेंगलुरु में भीड़ भाड़ का स्तर 63% दर्ज किया गया है, ठीक है, 63% यहाँ पे भीड़ भाड़ का स्तर को दर्ज किया गया है, ठीक है। अब अच्छा, लोकतंत्र सूचकांक, ठीक है, डेमोक्रेसी इंडेक्स की बात करेंगे तो कौन जारी करता है, ये इंपॉर्टेंट है, किसने जारी किया है, द इकोनॉमिक्स AIU इंटेलिजेंस यूनिट जारी करता है, कौन जारी करता है, द इकोनॉमिक्स, ठीक है, इंटेलिजेंट यूनिट की बात करेंगे तो लोकतंत्र सूचकांक जो है ये आपका जारी करता है, ठीक है। भारत की बात करेंगे तो भारत 7.8 के समग्र स्कोर के साथ 5 पायदान ऊपर 41वें स्थान पे पहुंच गया है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में हमारी रैंक कितनी है, ये हमसे इंपोर्टेंट, कितने नंबर पे हम लोग क्या बताएंगे, 41 नंबर पे, ठीक है। तो भारत का रैंक याद रखिए, पहले नंबर पे कौन है उसका नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत को टूटी हुई लोकतंत्र के रूप में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। अब प्रथम नंबर पे कौन सा देश है, सो याद रखे, नॉर्वे, कौन सा देश है, नॉर्वे पहला नंबर पे है, न्यूजीलैंड दूसरा नंबर पे है, और आइसलैंड तीसरा नंबर पे है, ठीक है। ये डेमोक्रेसी में ये 3 देश क्या है, टॉप पे है। फिर से एक बार नाम रिपीट कीजिए, ठीक है, नॉर्वे है, नॉर्वे न्यूजीलैंड है और आइसलैंड है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। भारत का रैंक कौन सा है, 41 है, 41, ठीक है। भारत ने स्कोर कितना 41 किया है, कितना स्कोर किया है, 7.18 7.18 स्कोर किया है, ठीक है। अंतिम देश कौन है, सबसे लास्ट में कौन, नीचे से टॉप कौन किया है, अफगानिस्तान ठीक है, अफगानिस्तान जो है आपका नीचे से टॉपर है, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है, भारत का रैंक ध्यान में रखना है, डेमोक्रेसी के इंडेक्स में पहले नंबर पे कौन है सो याद रखना है, सबसे नीचे से कौन है, ठीक है। आप देखेंगे ये जो इंडेक्स जो तैयार किया जाता है, इसपे आधार क्या होता है, तो इसमें 5 श्रेणियों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे चुनावी प्रक्रिया कैसी है, सरकार का काम करने का तरीका कैसा है, राजनीतिक भागीदारी कैसी है, राजनीतिक संस्कृति कैसी है, नागरिक को स्वतंत्रता प्राप्त है कि नहीं, 5 चीजों को आधार बना के इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले चुनावी प्रक्रिया और बहुलवाद, जैसे देखें रशिया में कहने का चुनाव होता है, चाइना में कहने का चुनाव होता है, लेकिन चुनाव क्या होता है, कोई खड़ा ही नहीं होता है, एक ही पार्टी की वहां पे सत्ता है। सरकार का कामकाज का क्या तरीका है, राजनीतिक भागीदारी कितनी है, मतलब और अन्य पार्टी को पार्टिसिपेट करने दिया जाता है कि नहीं चुनाव प्रणाली में, राजनीतिक संस्कृति कैसी है, नागरिक को स्वतंत्रता कितना प्राप्त है, इन सारे चीजों का आधार बना के डेमोक्रेसी इंडेक्स को निकाला जाता है। पश्चिमी यूरोप को छोड़कर दुनिया के हर क्षेत्र में समग्र सूचकांक स्कोर में गिरावट आई, ठीक है, दुनिया के हर क्षेत्र में गिरावट आपको देखने को मिली है, कहां पे नहीं देखने, तो वेस्ट यूरोप को छोड़ के सबसे बड़ी गिरावट लैटिन अमेरिका और कैरेबियन और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में पाई गई है। दुनिया के 8% से भी कम आबादी पूर्ण लोकतंत्र में रहती है, जबकि 40% सत्तावादी शासन के तहत रहती है। तो 40% में सत्तावादी शासन, भाई से 150 करोड़ आबादी तो चाइना का है अप्रोक्स, दुनिया का जनसंख्या 8 अरब है ना,
उसमें से 150 करोड़ तो मतलब पूरा समझिए कि वही है, नॉर्थ कोरिया वही कंडीशन है, रसिया का सेम कंडीशंस है, ठीक है। बहुत ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी नाम का चीज नहीं है। तो 40% की बात करेंगे तो जनसंख्या जो है विश्व का सत्तावादी शासन के अधीन मतलब काम करती है, ठीक है, क्लियर। हमको इतनी चीजें भी नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान में अफगानिस्तान का रैंक अंतिम है, नॉर्वे प्रथम नंबर पे है, भारत की 41वें नंबर पे है, और रैंक की बात करेंगे उस स्कोर की बात करेंगे 7.18 है, और किसके द्वारा जारी होता है, द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा इसको जारी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं साइबर क्राइम रिपोर्ट निकल कर आई है, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट आई है, साइबर क्राइम साइबर रिपोर्ट, क्राइम ठीक है। 2023 में भारत वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध के लिए 80वें, ठीक है, सबसे अधिक लक्षित देश बन गया, ठीक है। कितने नंबर का साइबर क्राइम के लिए हमारे यहाँ कैसा, कितने स्थान पे हम लोग आ गए, अस्सी सबसे ज्यादा, अस्सी में बिल्कुल ठीक है, सीमा 80 आ गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लगभग 34%, लगभग 34% भारतीय उपयोगकर्ता ने स्थानीय खतरों का अनुभव किया, जिसके कारण 74 मिलियन से अधिक घटनाएं क्या हो गई, अवरुद्ध हो गई, ठीक है। देश का साइबर सुरक्षा बजट 2023 से, ठीक है, 6.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया, मतलब समझ रहे हैं इतने का फ्रॉड हो रहा है। देश में साइबर सुरक्षा की बाजार की बात करेंगे, सॉरी साइबर सुरक्षा बाजार की बात करेंगे तो 6.06 बिलियन, ठीक है, अमेरिकी डॉलर तक मतलब यहाँ के पहुंच सर गया है, ठीक गवर्नमेंट है, इतना इतना इस पर खर्च कर रहा है खर्च कर रहा है, सॉरी इस पे गवर्नमेंट जो है इसको जीडीपी बचाव करने के लिए इतना खर्च कर रहा है, मतलब ये भी बहुत ये फालतू कर रहे हैं ना हम लोग, ये जो के खर्च जो हम लोग कर रहे हैं फालतू कर रहे हैं ना। आरबीआई जो लिए इतना प्रचार करवाती है, ठीक है, आरबीआई जो इतना प्रचार करवाती है, या जो फिर बहुत सारे बैंक वगैरह जो देखिएगा आपको एनपीसीआई दिन भर में 4 गो मैसेज बताता है, मतलब एक्सिस बैंक आपसे ओटीपी नहीं मांगती है, किसी प्रकार का पिन नहीं मांगती है, तो जो सबके पीछे ऐड के पीछे जो खर्च होता है क्यों होता है, साइबर सुरक्षा को सुरक्षित करने के लिए ना। इनमें से सब कोई ना कोई इसमें से आदमी मतलब सबके साथ किसी न किसी प्रकार की घटना घटी होगी, अगर आप लोग के साथ नहीं घटा होगा तो परिवार में किसी न किसी के साथ हुआ ही होगा, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ना इन चीज से अछूता रहा है। फोन आया था हम लोग को जागरूक वही ना सर, जामतारा वालों का करता है सब सबसे काम। हाँ, जामतारा एक ऐसा जगह है ना, मैं वहां पे काम किया हूँ तो मुझे पता है, ठीक है, वहां पे नेटवर्क तक नहीं रहता, पता है, पेड़ पे चढ़ चढ़ के जो भी काम करता है, ठीक है, मतलब पेड़ पे चढ़ जाता है नेटवर्क के लिए। वहां का लोकल प्रशासन भी उन लोगों से मिला हुआ है, इसलिए बाहर की प्रशासन आती है लोगों तक पहुंचने ही नहीं देता है। अब आते हैं 12वीं विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट आई है, क्या आई है, ब्राह्मी, ठीक है, कोऑपरेटिव विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट आई, इसको देखेंगे, ठीक है। 12वीं वार्षिक विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट का वर्ष 2023 का संस्करण अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन के द्वारा प्रकाशित किया गया, ये कितने नंबर की रिपोर्ट थी, ये 12 नंबर की रिपोर्ट थी, ठीक है, कौन सी रिपोर्ट थी, तो विश्व सहकारी मॉनिटर रिपोर्ट थी, ठीक है, किसने दिया, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया। अब यूरोप की मुख्य बातें क्या है उसको निकल कर आते हैं, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको को, ठीक है, ध्यान, इफको क्या काम करती है पता है ना आपको, अरे यूरिया वगैरह जो आपको मिलता है सब्सिडी पे कहां से आता है, इफको ही तो प्रस्तुत करती है ना, ठीक है। भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफको को दुनिया के सिर्फ 300 सहकारी समितियों में नंबर 1 सहकारी समिति का दर्जा दिया गया, तो दुनिया का सबसे बेहतर सहकारी समिति कौन सा है, नंबर इफको, क्या है, वन क्या नाम है, इफको, इफ्को कितने में इसको टॉप इफ्को स्थान आया है, कितने में, ठीक है, 300 में, ठीक है, किसमें आया है, 300 में इसने मतलब क्या किया, टॉप किया है। इफ्को ओवरऑल टर्नओवर रैंकिंग में, ठीक है, 72वें स्थान पर पहुंच गई है, ठीक है, तो इफ्को ओवरऑल टर्नओवर रैंकिंग में बात करेंगे तो 72वें स्थान पे है। रैंकिंग प्रति व्यक्ति घरेलू सकल उत्पाद पर कारोबार के अनुपात पे मतलब क्या होता है, आधारित होता है। आप देखेंगे इफ्को क्या है, जैसे मैंने यूरिया के बारे में आपको बताया, तो इफ्को ने किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया नैनो डीएपी विकसित किया है, ठीक है, इफ्को की बात करेंगे तो इफ्को दुनिया का पहला, ठीक है, दुनिया का पहला नैनो यूरिया नैनो डीएपी विकसित किया इफ्को के द्वारा। इफ्को इफ्को सागरिका और, ठीक है, आर्गी रसायन आदि जैसे जैव उत्तेजक की खरीद कर रहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखना इफ्को के बारे में टॉप किया है 300 300 मतलब सहकारी समिति में। इफ्को की बात करेंगे तो किसानों के लिए दुनिया का पहला नैनो यूरिया और नैनो डीएपी, ठीक है, विकसित भी इसी ने किया है। अब आते हैं भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, इसमें भारत की रैंक बहुत ज्यादा खराब आई है, ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, इसका संस्था का नाम हमेशा पूछता है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, याद रखिए क्या नाम है संस्था का नाम, ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। भारत की रैंक की बात करेंगे कितना रहा है,
ठीक है, ठीक 93 है, बिल्कुल जी, 93 रहा रैंक, ठीक है। कितने देशों में 93 रैंक रहा है भारत का? 180, 180। 180। स्कोर कितना रहा है भारत का? थर्टी ठीक नाइन है, 39। ठीक है, तो इसको याद करना आसान है, ठीक है। 93 का अपोजिट की जगह 39 स्कोर आ जाएगा, और फिर 39 का अपोजिट करते 93 क्या आ जाएगा, रैंक आ जाएगा, ठीक है। 100 स्कोर में से ज्ञात होता है, उसमें से भारत को मात्र 39 स्कोर भारत को मिला। रैंक की बात करेंगे, 180 देशों में भारत की रैंक कितनी रही, कितनी रही, 93 रहा, ठीक है। नाइन्टी अब हम आते हैं प्रथम नंबर पे कौन है, मतलब सबसे कम करप्ट कौन है, जहां पे करप्शन बिल्कुल भी नहीं है, तो सबसे कम करप्ट कौन है? डेनमार्क, डेनमार्क, फिर फिनलैंड, फिर न्यूजीलैंड। ये सारे के सारे नॉर्डिक न्यूजीलैंड, नेशन जो आते हैं ना, यही लोग ज्यादातर टॉप कर जाते हैं, ठीक है। शीर्ष स्कोरिंग क्षेत्र की बात करेंगे, मतलब एरिया कौन से, मतलब एरिया में सबसे अधिक स्कोर रहा, तो पश्चिमी यूरोप और यूरोपीय संघ की बात करेंगे, इनमें मतलब क्या रहा, सबसे कम भ्रष्टाचार होता है, और सबसे टॉप, मतलब सबसे टॉप, मतलब सबसे अधिक करप्ट कौन रहा, ध्यान सोमालिया रखें, दिया, सोमालिया, ठीक है। दो दो बार सोमालिया क्यों दिया भाई, सोमालिया, 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 दक्षिण सोमालिया सोमालिया। दिए क्या? जगह होगा एक दक्षिण होगा या कहीं नहीं, उत्तरी और दक्षिणी दोनों होगा। सोमालिया क्यों है ये सोमालिया बताओ। रहा, इंग्लिश वाला में चेक कीजिए तो क्या है, सोमालिया, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, सोमालिया जो है सबसे ज्यादा करप्ट रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, इसमें पैमाने होता है, सूचकांक का जो पैमाना होता है कहां से कहां तक होता है, 0 से लेके मतलब जीरो क्या से होता है, सौ 100 तक पैमाना होता है, ठीक है। सौ इंडिया को तक, कितना मिला, इंडिया को कितना मिला, 43, 43, 39, ठीक है, डेमोक्रेसी में जा रही है, अच्छा ठीक है, कितना मिला, 39 मिला, ठीक है। और इंडिया का रैंक कितना रहा, इसको पलटिए, ठीक है, 93 93 रैंक रहा, ठीक है, ध्यान में रखना। डेमोक्रेसी वाला याद है नाइन्टी कि भूल गए, डेमोक्रेसी में इंडिया का रैंक कितना था, 41, 41, फोर्टी वन फोर्टी है, ठीक वन है, 40 सेवेंटी है, तो फोर वहां में पे टॉप किया किसने था किया था, नॉर्वे किया हुआ, यहाँ पे टॉप था नॉर्वे, डेनमार्क, यहाँ पे टॉप कौन कर रहा है, क्या बोलते हैं इसमें, करप्शन में, डेनमार्क कर रहा तो है, डेनमार्क, डेनमार्क यहाँ पे टॉप है, ठीक है। सीपीआई वैश्विक औसत 43 पे अपरिवर्तित बना हुआ, ध्यान रखें, सूचकांक 0 से 100 के पैमाने का उपयोग करता है, जहां 0 अत्यधिक भ्रष्ट है और 100 बहुत साफ है, मतलब समझ रहे हैं ना, मतलब जिसको अगर 0 मिलेगा तो मतलब समझ रहा है बहुत ही ज्यादा करप्ट है, मतलब इसमें रैंक क्या होना चाहिए। हाँ सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया है वो नीचे से 180, 179 और वेनेजुएला 178 जो भी होगा। याद रखना है, ठीक सोमालिया, है, वेनेजुएला और सीरिया, मतलब 178 पे सीरिया होगा, 179 पे वेनेजुएला होगा। रखिए इसको, ठीक है। सोमालिया मत भूलिएगा, ठीक है, सोमालिया मत भूलिए, सोमालिया से क्या निकलता पता है ना, किनका फोन बज रहा है, माइक क्यों बंद करके रखिए, सोमालिया से क्या निकलता है, पायरेट्स वर्णा निकलते, क्या भगीदा का निकलते हैं, हिस्सा है, पायरेट्स, पायरेट्स निकलते हैं, ठीक है, पायरेट्स जिसको बोला जाता है समुद्री लुटेरा, लुटेरा, ठीक है, अभी चर्चा में भी रहा है, बहुत सारे जी बहुत सारे क्या इन करते हैं, लोग ट्रिक्स जहाजों को बताया क्या गया करते भाई। हैं, बंधक बना लेते हैं, ठीक है, उसके बाद जहाज के जो मालिक जो होते हैं उनसे क्या मांगते हैं, ठीक है, रैंसम मांगते हैं, मतलब पैसा मांगते हैं, तब छोड़ेंगे जहाज को, अब बहुत खतरनाक होता है, ठीक है। अब चलते हैं, अखिल माली भारतीय सर उच्च दो बार क्यों शिक्षा, दिया है? हाँ सोमालिया दो बार क्यों दिया है सर? अरे अरे भाई गलती से दे देखिए दिया पता है गलत ना, दिए हुआ है, ठीक है, इंग्लिश में भी सर टाइपिंग वही वही है, है, इंग्लिश में दिया इंग्लिश में भी वही सोमालिया है। 180, सोमालिया 179, वेनेजुला 178। मिस टाइपिंग है, सही ऐसा करो ना, आप वेनेजुला सुनो, 180। आप ऐसा करो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का साइट खोलिए, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल खोलिए, ऑफिशियल साइट खोल के देख लीजिए क्या है वहां पर, कभी भी किसी भी करेंट के क्वेश्चन में मतभेद हो, ठीक है, उसका ऑफिशियल साइट ढूंढिए, वहां पे क्या चीज दिया हुआ, सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में, क्योंकि सारा रिपोर्ट वहीं से आता है, उनके ऑफिशियल साइट से निकलता है, डिफरेंट जगह पे, और जो ऑफिशियल साइट पे जो चीज रहा है ना, वही चीज मान्य भी होगा, भले गलत का है नहीं, डजंट मैटर, ठीक है। अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण की बात करेंगे, तो 2021-22 का रिपोर्ट आया है, अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण 2021-22 की रिपोर्ट कितने जनवरी को सार्वजनिक की गई, 25 जनवरी को सार्वजनिक की गई, ठीक है। अब बात करते हैं, 4.33 करोड़ छात्र वर्तमान में उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित हैं, कितने छात्र हैं उच्च शिक्षण संस्थान में नामांकित, कितने हैं, 4.33 करोड़। 2021-22 में 2014-15 की तुलना में उच्च शिक्षण संस्थाओं में शामिल होने वाले 91 लाख से अधिक छात्रों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं, ठीक है, 55% महिलाएं हैं, ठीक है, मतलब महिलाओं की संख्या में मतलब क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 18 से 23 वर्ष इसमें की तो आयु वर्ग के इसके अनुपातिक साइड पर तो सर दे ही नहीं रहा है।
नहीं कैसे दे रहा होगा रिएक्ट तो अस्सी दे रहा है, उसके बाद 177 दे रहा है। करप्शन इंडेक्स, अरे उसकी साइट पे ही ऑफिशियल साइट पे है, अच्छा एक सौ ठीक है ठीक है। सतहत्तर तीन गो है, वेनेजुएला, सीरिया, साउथ सूडान, उसके बाद एमन 176 है इसका ऑफिशियल साइट का। अच्छा 79 में कोई नहीं, 179 में कोई नहीं है? नहीं ना, 178 में भी है कोई। अच्छा 17, उसके बाद कौन दिया है, मतलब किसे? 177 में कौन है? हाँ 177 दिया है वेनेजुएला, उसके बाद 177 सीरिया भी है, देखिए ना अच्छा भेज देते हैं हाँ, ग्रुप में। अरे होता है कभी कभी ना एक ही स्थान पे बहुत सारा मतलब रहता है, भेज दीजिए देख लेंगे सब। ठीक है अब आते हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो आपको देखना है यहाँ पे 2021-22 में 2014-15 की तुलना में उच्च शिक्षण संस्थाओं में शामिल होने वाले 91 लाख से अधिक छात्रों से, ठीक है, 55% मतलब क्या है, महिलाएं हैं। ठीक है ध्यान में रखेंगे, 2018-23 में, सॉरी 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के अनुमानित सकल नामांकन का अनुपात की बात करेंगे, 28% कितना है, 4% है। अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, GER में लिंग समानता सूचकांक GPI की बात करें 1.1 है, एक से अधिक GPI महिलाओं के पक्ष में रहता है। ठीक है मतलब समझ समझ सकते हैं, मतलब महिला की संख्या पक्ष में ओवरऑल मतलब क्या समानता है, अधिक भी है। ठीक है क्या, है, 1 पॉइंट से अधिक मतलब हाँ स्थापन नहीं वन करता पॉइंट है मतलब। वन पॉइंट जीरो वन है, ठीक है 1.01 है, एक से अधिक जैसा ही होगा ना तो वो फेवर महिला के फेवर में होगा, मतलब इसका मतलब हुआ सो महिलाओं की संख्या मतलब क्या है कंपेयर टू पुरुष मतलब अधिक है। ठीक है समानता तो होता अधिक है लेकिन है, यही बहुत सब कम इनका अधिक है ना, दिखाया। थोड़ा सा अधिक है। ये असमानता को इंगित करता है, एक का GPI पूर्ण समानता को इंगित करता है। ठीक है एक अगर रहेगा तो समानता मतलब 50-50, ठीक है, एक से अधिक रहेगा तो असमानता को इंगित करेगा, लेकिन किसके फेवर में असमानता करेगा, मेल के फीमेल में या फिर पुरुष के फेवर में? ठीक फीमेल के है फेवर ठीक है, फीमेल के फेवर में। ठीक है अब देखिए स्नातक स्तर पर नामांकन की बात करेंगे तो सर्वाधिक नामांकन तो जानते ही आर्ट्स में ही होगा, कितना प्रतिशत है, तो 34.2% लोगों ने आर्ट्स मतलब कला में नामांकन लिया है। इसके बाद विज्ञान में है, ठीक है 14.8% लोग साइंस में है, 13.3% लोगों ने कॉमर्स लिया है। ठीक है इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की बात करेंगे, बीटेक करने वाले लोगों की संख्या 11.8% है, तो सर्वाधिक संख्या किसमें है, आर्ट्स में। आर्ट्स ठीक है कितने में। हैं, 34.2% है, समझ रहे हैं ना, मतलब साइंस दूसरे नंबर पे, उसे दोगुना अभी से भी ज्यादा आर्ट्स है आपका। 2021-22 में स्नातक हुए, ठीक है 1.07 करोड़ छात्रों में से, ठीक है 54.6 लाख लगभग, ठीक है लगभग 50.8% महिलाएं हैं। तो यहां पर भी देख रहे महिलाओं की संख्या पुरुषों की कंपेयर में थोड़ा सा अधिक है। ठीक है GPI जब भी एक रहे तो समझा जाएगा महिला पुरुष समान है, एक से अगर अधिक होता है वो क्या होता है, फीमेल के महिला के फेवर में पक्ष जाएगा में मतलब होगा। महिला के पक्ष में जाएगा, महिलाओं की संख्या क्या है, अधिक है। ठीक है पंचायती राज संस्था का वित्त रिपोर्ट आया, तो सबसे पहले आप हमको बताओ पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, व्हेन इज सेलिब्रेटेड पंचायती राज चौबीस डे, अप्रैल चौबीस 24 अप्रैल ना 24 अप्रैल को। ठीक है ठीक है, पंचायती राज से संबंधित कौन सा आर्टिकल पंचायती राज की गठन की बात करता है, 40 73 आर्टिकल 40 40 40 कितना आर्टिकल है, आर्टिकल 40 की बात करेंगे तो पंचायती राज की गठन की बात करता है। ठीक है आर्टिकल 40, ठीक है क्या अनुच्छेद 40 की बात करेंगे तो ग्राम पंचायत मतलब पंचायती राज की बात करता है। ठीक है अब बात के पंचायती राज संस्थाओं की बात करेंगे कि रिपोर्ट आई है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है पंचायती राज संस्थाओं का वित्त रिपोर्ट मतलब जारी किया गया है। कर अनुदान के प्रति पंचायत औसत राजस्व 20-21 में कितना था, 2.12 मिलियन रुपए थे, जो कि 21-22 में 2.32 मिलियन रुपए, और 2022-23 में कितना हो गया, 2.12 मिलियन रुपए था। ठीक है अब बात करेंगे यहाँ पे रिपोर्ट में बात करते थे लगभग 95% केंद्र राज्यों अनुदान के रूप में मिलता है। ठीक है मतलब पंचायती राज को जो मतलब जो राजस्व जो मिलता है तो मुख्यतः, ठीक है ध्यान में 95% की बात करें अनुदान के रूप में मिलता है, जो कि केंद्र और राज्यों से इनको मिलने वाला क्या होता है, राजस्व होता है। तो इनको आपको पता होना चाहिए इनके वित्तीय शक्ति इनके पास है, तो कर वसूल सकते हैं, कर कैसे वसूलेंगे, स्थानीय कर शुल्क लगा के मेला वगैरह जो लगता है गांव में, ठीक है दुकान वगैरह से कर वगैरह वसूलते, ये सब भी इनकी अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है तो कितना प्रतिशत मतलब इनको मतलब कुल राजस्व का केवल कितना प्रतिशत, ठीक है इनका अपना राजस्व है तो मात्र 1.1%। ठीक है मतलब मुख्यतः ये केंद्र एवं राज्यों से मिलने वाले अनुदानों पे ही मतलब क्या है, निर्भर है।
राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी से उनके कामकाज में बाधा भी आती है। तो राज्य वित्त आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इनको एक तरह का वित्तीय पावर देता है। मान लीजिए किसी भी संस्था का ऑर्गेनाइजेशन को आप स्वतंत्रता बहुत ही ज्यादा दे देंगे, लेकिन उसके बाद जब तक वित्तीय पावर नहीं रहेगा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको बोल देंगे आप स्वतंत्र है, जो मन है सो कीजिए। अरे भाई, जो मन है सो करेंगे तब जब आपके पास पैसा रहेगा, ठीक है। तो वित्तीय पावर जब तक किसी संस्था को नहीं देंगे तब तक वो अच्छे से काम नहीं करेगी। तो राज्य वित्त आयोग को, ठीक है, वित्तीय शक्ति दिया गया, जो कि किस अनुच्छेद में है, 243 का आई। आई फॉर इनकम, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसमें राज्य वित्त आयोग की गठन करने की बात कही गई है, ठीक है। ये बीपीएससी में कई बार पूछा गया भी अनुच्छेद है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग की बात करेंगे तो ध्यान में रखना है ये राज्यपाल के द्वारा गठन किया जाता है, और ये किस प्रकार हाँ के, ठीक है, एक अस्थाई है या फिर अस्थाई संस्था है। अस्थाई होगा क्योंकि 5 साल बाद अस्थाई, फिर नए हाँ ठीक है, सिरे से अस्थाई आता है, ठीक है, चुनाव अस्थाई नहीं है, अस्थाई है क्योंकि इसको फिर से गठन करने की जरूरत पड़ती है, प्रावधान है ठीक है। 5 साल। हाँ, राज्य वित्त आयोग के गठन में देरी से उनके कामकाज में बाधा आती है। गैर कर राजस्व के रूप में पंचायती राज कार्यक्रमों और ब्याज आय में आय से भी मामूली उनकी कुल राजस्व प्राप्तियों की हिस्सेदारी की बात करेंगे, 3.3% है। पीआरआई को अपने स्वयं के कर और गैर कर राजस्व संसाधनों को बढ़ाने और शासन में सुधार करने की आवश्यकता है। मतलब इनको क्या करना है, तो भाई साहब आरबीआई ने बोला से तुम कैश कितना डिपेंड रहोगे गवर्नमेंट के फंड पे, थोड़ा सा अपना भी कुछ करो, ठीक है। सर फर्स्ट तो वाला इस लाइन फिर से रिपीट कीजिएगा, नहीं समझ में आया था। इसी क्या का नहीं समझ में आता इसमें, फर्स्ट वाला लाइन जो था वो कौन सा टू फर्स्ट पॉइंट वाला, ये वन वाला, था हाँ पंचायती राज संस्था रिपोर्ट। हाँ, कर और कर अनुदान। अनुदान के प्रति पंचायत औसत राजस्व की बात करेंगे, 2020-21 में कितना था, 2.12 मिलियन रुपए था, ठीक है। दो ठीक हजार है, इक्कीस बाईस की बात करेंगे तो फिर जाके 2.32 हो गया, फिर जाके 2022-23 में फिर कम जाता है, ठीक है, हाँ 2.12 यही हो जाता समझना है। था, जिनमें से इसी को 95% देखिए। की बात करें केंद्र एवं राज्य के द्वारा क्या होता है, अनुदान से मिलता है, 5% मतलब ये अपना व्यवस्था करते होंगे, 5% में 1.1% जो क्या स्थानीय शुल्क इन सबसे उनको प्राप्त होता है, बाकी जो बच गया वो कहाँ से प्राप्त होता है, तो उनकी यहाँ से मतलब ब्याज वगैरह पे जो लगा होता है ना, कर राजस्व मुख्य रूप से पंचायती राज कार्यक्रमों और ब्याज आय से भी उनको मामूली, ठीक है, उनकी कुल राजस्व प्राप्ति को 3.3 यहाँ से प्राप्त हो जाता है, ठीक है। मतलब मुख्य रूप से, ठीक है, सरकार से मिलने वाले अनुदान पे ही मतलब क्या है ये सीमित है, ठीक है। इसके लिए राज्य वित्त आयोग का गठन भी किया जाता है, जो कि आपने बताया 243 के आई में है, ठीक है, समझ गए, क्लियर। और उसके बाद यहाँ पे हमने बोला था थोड़ा डिफेंस भी आज हम पढ़ाएंगे, ठीक है, तो करवा लो डिफेंस की, छोड़ दें, कितने करवा क्वेश्चन है दीजिए, समय डिफेंस में, ज्यादा कर दीजिए, पूरा पूरा कर दीजिए सर। 9 क्वेश्चन ही हुआ, 15 डिफेंस करवा दूं, 15 और 9 हो जाएगा सर। 25 क्वेश्चन तो पढ़ना ही होता है ना मिनिमम। हाँ अब कुछ वाला आवाज नहीं आ रही, क्या बोल रहे हैं आप, कट कर आइए, दीजिए 5 सर। देखता हूं जितना हो पाता है करवा देते, ठीक है, ठीक है। डिफेंस में देखेंगे तो ब्राजील ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ समझौता किया है, ठीक है। अब पता, महिंद्रा भी अपना डिफेंस सिस्टम बना रही है, ठीक है, तो उसके साथ किसने समझौता किया, ब्राजील ने समझौता किया किसके साथ, महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ, एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी, जो कि ब्राजील की कंपनी है, ठीक है। देखिए, सरकार अगर कभी भी समझौता करती है ना, अरे सरकार का अपना कोई कंपनी थोड़ी ना है, ठीक है, सब कंपनी अपने आप में स्वायत्त निकाय होता है, ठीक है। तो सरकार कभी भी अगर किसी देश के साथ डिफेंस वगैरह का भी कोई समझौता करेगी, तो मतलब ब्राजील के साथ किया, तो ब्राजील की कोई कंपनी उधर से आएगी, इधर से भारत सरकार की कोई एक कंपनी आएगी, ठीक है। कंपनी के कंपनी मध्य मतलब क्या होता है, समझौता होता है, ठीक है। हालांकि सरकार इसमें गवर्नमेंट क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, इसको बोलते हैं एमओयू साइन होना होता है, ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसको बोलते हैं, ठीक है। तो ब्राजील ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ समझौता किया है, एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी ने महिंद्रा डिफेंस सिस्टम के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किया है, ठीक है। नाम क्या है ब्राजील की स्पेस, ब्राजील का डिफेंस कंपनी का नाम क्या है, एम्ब्रियर एम्ब्रियर डिफेंस डिफेंस एंड डिफेंस सिक्योरिटी, ठीक है। सिक्योरिटी। भारत का कौन सा है, तो महिंद्रा डिफेंस सिस्टम। अब देखेंगे दोनों का संयुक्त लक्ष्य भारतीय एम्ब्रियर वायुसेना डिफेंस द्वारा सिक्योरिटी। C-390 मिलेनियम मल्टी मिशन परिवहन विमान की अधिग्रहण को पूरा करना है। C-390 मिलेनियम को ब्राजील के एम्ब्रियर द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, ठीक है।
ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं है कि मतलब अगर ये क्या नाम है महिंदा डिफेंस सिस्टम है ओके एम्ब्रियर है आपस में समझौता कर लेगा, विदाउट सरकार के इन्वॉल्वमेंट से कुछ भी नहीं हो सकता है, ठीक है इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है चलिए, तो आपको ध्यान में रखना है सिर्फ एम्ब्रियर डिफेंस एंड सिक्योरिटी सिस्टम के साथ महिंद्रा महिंद्रा डिफेंस डिफेंस सर। सिस्टम ने एक समझौता किया है जो कि किसके लेकर है, वैसे भी तो सी थ्री खरीदेगा तो नाइनटी गवर्नमेंट के लिए मिलेनियम के खरीदेगा लेकर ना, ये है। महिंद्रा डिफेंस वाला बनाएगा हाँ तो डिफेंस बिल्कुल के लिए बिल्कुल बनाएगा, बिल्कुल, अपना थोड़ी ना बनाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट की थोड़ी डीआरडीओ ने स्वदेशी हवाई लक्ष्य अभ्यास का किया परीक्षण। ठीक है, अभ्यास क्या है ये, सर। अभ्यास क्या है तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये अभ्यास का परीक्षण किया गया, डीआरडीओ स्वदेशी हवाई लक्ष्य है। ठीक है, क्या है ये, स्वदेशी हवाई हवाई लक्ष्य है, लक्ष्य अभ्यास का परीक्षण किया गया। कहाँ से करते हैं परीक्षण, ये चांदीपुर से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, चांदीपुर कहाँ पे पड़ता है, उड़ीसा ओडिशा में के चांदीपुर के स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज में ये समझौते मतलब ये क्या बोलते हैं, इनका उड़ीसा परीक्षण किया गया है। अब बात करें डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित उच्च गति व्यय योग्य हवाई लक्ष्य अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण के लिए लक्ष्य के रूप में विकसित किया गया। किस लिए, मिसाइल प्रणालियों के परीक्षण के लक्ष्य के रूप में इसको विकसित किया गया अभ्यास को। ठीक है, किसके द्वारा, तो डीआरडीओ के द्वारा। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, डीआरडीओ की स्थापना 58 में, 1958 58 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, नहीं 58। ठीक है, अब यहाँ पे देखें भारत म्यांमार सीमा पे बाढ़ लगने वाला है और इसको लेकर विवाद आ गया है। ठीक है, अब मैं एक बताऊंगा क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे एक जो है ना इसको बोलते हैं FMR है। ठीक है, इसका FMR है। ठीक है, FMR का मतलब होता है ना फ्री मूवमेंट रिजीम। क्या होता है, फ्री मूवमेंट रिजीम होता है। ठीक है, अब मान लीजिए सीमा मैंने पे रहने वाला जो लोग जो है, ठीक है बात के सीमा पे रहने वाला लोग जो है, तो उनका रिलेशन जो होता है ना उस पार के लोगों से भी होता है। ठीक है, मतलब उनका कुछ रिलेटिव म्यांमार में हो सकता है, कुछ रिलेटिव भारत में हो सकता है। जैसे नेपाल, नेपाल में तो क्या, नेपाल में तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आप देखेंगे तो म्यांमार के साथ ऐसा दिक्कत हो जाता है, बांग्लादेश के साथ भी कुछ लोगों के साथ ऐसा है। तो यहाँ पे फ्री मूवमेंट रीजन बनाया गया था जिसमें कुछ लोग जो मतलब कुछ किलोमीटर का क्षेत्र जो था ना दोनों देशों के लिए सुरक्षित था। कुछ समय निर्धारित किया गया, जैसे इतने दिन में एक दूसरे से आके मतलब क्या हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आप हमें ये बताएं FMR जो था कितने किलोमीटर तक था। 16 किलोमीटर तक था। बिल्कुल ठीक है, 16 किलोमीटर था विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट के। विदाउट वीजा एंड पासपोर्ट के कोई म्यांमारी नागरिक भारत के सीमा में 16 किलोमीटर तक आ सकता है और कोई भारतीय नागरिक म्यांमार के सीमा में 16 किलोमीटर तक जा सकता है। लेकिन ये चीजें जो कब होती है, जब दोनों देशों की सरकार मतलब क्या हो, फ्रेंडली हो। ठीक है, वहां पे आपको पता होगा आंग सान सूची की सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट थी, आंग सान सूची की सरकार थी। ठीक है, आंग सान सूची की सरकार थी, ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी म्यांमार में। आंग सान सूची को नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया, लेकिन इनके सरकार को बर्खास्त करके वहां पर मिलिट्री रूल आ गया। अब मिलिट्री रूल को कहीं ना कहीं से चाइना का बैकअप है, भारत सरकार से बात बन नहीं रही है। तो गृह मंत्री ने बोला से भाई साहब हम जो FMR जो किए थे 2014 के आसपास जो हुआ था, 2014 के बाद ही हुआ था, उसको सबसे पहले हम समाप्त करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, ठीक है हम म्यांमार के सीमा पे क्या करेंगे, बाड़ लगाएंगे जैसा कि हमारा पाकिस्तान सीमा पे लगा हुआ है, क्योंकि हम म्यांमार से भारत के सीमा में आने वाले हैं। ठीक है, जो शरणार्थी जो है उनकी समस्या से लेके हम परेशान हैं, क्योंकि रोहिंग्या उधर से आते हैं और भारत में इसे क्या होता है, अपराध का मतलब एक नया चरम आपको देखने को मिलता है। ठीक है, यही तो FMR है। अगर एग्जाम में पूछेगा FMR किसके किसके बीच में है, तो ध्यान में भारत और म्यांमार के बीच में। FMR क्या होता है, तो FMR का मतलब होता है फ्री, क्या होता है अभी जस्ट बताया ना, फ्री मूवमेंट रिजीम होता है। रिजम हाँ रिजीम, रिजीम ठीक है, और कितने किलोमीटर तक होता था, 16 किलोमीटर तक आता है। ठीक है, किसने किया था, गृह मंत्रालय का, ये सीमा वगैरह के काम जो था गृह मंत्रालय के अधीन आता है, और इसको मतलब भारत एनडीए की जो सरकार जो आई थी, पहली गवर्नमेंट जो थी ना 2014 में, उसी समय किया गया था। अब भारत म्यांमार सीमा पर लगेगा बार, ठीक है सीमा सड़क संगठन भारत म्यांमार सीमा पर बार लगाएगा। गृह मंत्रालय की लगभग 1700 किलोमीटर भारत म्यांमार सीमा पर बार लगाने की योजना है। ठीक है, वैसे म्यांमार के साथ हमारी सीमा जो है 1643 किलोमीटर की लगती है। कितने किलोमीटर की सीमा लगती है, 1643 किलोमीटर के साथ 1643 किलोमीटर म्यांमार के साथ सीमा लगती है। नेपाल के साथ कितना लगता है बताइए, 799 सेवन फिफ्टी नाइन है ना नेपाल के साथ, 751, सॉरी 751 है, हाँ मैं सेवन देख फिफ्टी लीजिएगा वन है ना 751 ना है। सही है। 17 हाँ, तो सौ हम क्या इक्यावन लिखे होगा हैं, हम क्या लिखे, क्या दिख रहा है, ये नहीं सत्तर सौ नहीं इक्यावन देख नहीं रहे है, ये थे।
17 तिया 51, ठीक है। 17 तिया 51। चलिए आप चलते हैं, सीमा सड़क संगठन भारत म्यांमार सीमा पे बार लगाया जाएगा। गृह मंत्रालय की लगभग 1700 किलोमीटर भारत म्यांमार सीमा पे बार लगता है, ठीक है। आप हम बात करेंगे म्यांमार के साथ किस किस राज्य की सीमा लगती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है। इन चार राज्यों की सीमा की बात करेंगे तो किसके साथ लगती है, अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, ठीक है। और टोटल 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा जो एक दूसरे के साथ मतलब क्या करते हैं, साझा करते हैं, ठीक है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने म्यांमार सीमा पर फ्री मूवमेंट रिजिम को खत्म करने का फैसला लिया है, ठीक है। तो इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं था, लेकिन फ्री मूवमेंट रिजिम क्या था उसके पीछे मैंने आपको एक कहानी सुनाई ताकि आपको एग्जाम में याद रहे, और मे भी ठीक है 80% चांस है फ्री मूवमेंट रिजिम से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए, ठीक है। यही दिख रहा है कितने किलोमीटर का होता है, ठीक है, किस किसके साथ लगा हुआ, यही सब आपको देखने को मिल जाए, लेकिन दिखेगा जरूर एग्जाम में, ठीक है। अमेरिका भारत को देगा MQ-9 विन शस्त्र देगा, ठीक है। ये क्या है, एक प्रकार का ड्रोन है। हम लोग अमेरिकी हथियार को कम खरीदते क्योंकि बड़ा महंगा होता है, ठीक है, लेकिन इस बार भारत सरकार ने बहुत हिम्मत करके अमरीकी, ठीक है, MQ-9 विन शस्त्र ड्रोन को खरीदने की बात कर रहा है, ठीक है। इसके लिए भारत जो है अमेरिका को 3.99 बिलियन अमरीकी डॉलर देगा, जो कि लगभग 33,060 करोड़ रुपए के बराबर होता है। अनुमानित लागत की बात करेंगे, अनुमानित लागत पर एक 31 MQ-9 विन सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पे बिक्री मतलब कर सकता है, देखिए कोई भी हथियार को अगर किसी भी देश को आप बेचेंगे ना तो वहां के संसद से परमिशन लेना पड़ता, पता है ना, मतलब भारत सरकार भी अगर किसी भी हथियार को अगर बेचना अगर चाहे, ठीक है, तो वहां पर पूरा एक प्रोसीजर होता है, सीधे सरकार किसी हथियार को बेच नहीं सकती है, ठीक है। तो वहां पर भी सीनेट वगैरह से हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव होता है, उन सबसे परमिशन लेना पड़ता है, उसके बाद बेचा जाता है, ठीक है। डेमोक्रेटिक नेशन में तो एक्चुअली यही होता है, हालांकि चाइना जैसा देश को क्या ही जरूरत है किसी संसद से परमिशन लेने की। इसको बोलते हैं प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है, प्रीडेटर कहते हैं इसको, ठीक है। आप इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, जैसे मैंने इसके बारे में पढ़ा था, इसको प्रीडेटर कहते हैं, ठीक है, शिकारी हत्या यहाँ पे लिखा हुआ है, इंग्लिश में कुछ और लिखा होगा, ठीक है, शिकारी हत्या प्रीडेटर कहते हैं, हाँ प्रीडेटर ही कहते हैं। कहा जाने वाला, ठीक है, MQ-9 विन जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल द्वारा निर्मित अगली पीढ़ी का दूर संचारित विमान है, ठीक है, ध्यान रखें ड्रोन है एक तरह का, या प्रीडेटर्स के रूप में तो लिखा हुआ है ना, प्रीडेटर्स के रूप में भी जाने जाने वाला यह ड्रोन 4 लेजर निर्देशित हेल फायर मिसाइल और 450 किलोग्राम बम ले जा सकता है, ठीक है, मतलब 450 किलोग्राम तक ये बम आपको लेकर जा सकता है, ठीक है। भारतीय नौसेना को 15 सी गार्जियन ड्रोन मिलेंगे, जबकि सेना और भारतीय वायुसेना को, ठीक है, स्काई गार्डियन नामक 8 प्रत्येक भूमि संस्करण भी मिलेंगे, ठीक है। तो स्काई गार्डियन किसको मिलेगा, भारतीय नौसेना को, और सी गार्डियन किसको मिलेगा, तो भारतीय नेवी को मिलेगा, ठीक है। तो 15 जो है आपको सी गार्डियन है, ठीक है, और 8 जो है क्या है आपको स्काई गार्डियन है, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। भारत सरकार इसके लिए लगभग 33,000 करोड़ रुपए मतलब व्यय कर रही है, 33,060 करोड़, ठीक है। तो इस MQ-9 विंग को क्या बोलते हैं, इनको प्रीडेटर कहते हैं, क्या बोलते हैं इनको, MQ-9 विंग को क्या कहा जाता है, प्रीडेटर कहते हैं, क्या कहते हैं MQ-9 विंग को, प्रीडेटर के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है, ध्यान में रखना है। किससे खरीद रही है भारत इसको, किससे खरीद रही है, बिल्कुल, तो यूएसए से खरीद रही है, तो यूएसए से इसको तुरंत नहीं खरीदेंगे, ठीक है, इससे पहले भी बात बनी थी, लेकिन बहुत महंगा होने के बाद हम लोगों ने सोचा है रशियन ड्रोन पे हम लोग निर्भर करते हैं, और हम लोग इजराइल से हुरोन को भी खरीदा था, ठीक है, तो सोचा काम चल जाएगा, लेकिन फिर से हम लोग को खरीदना ही पड़ा, लेकिन काफी महंगा पड़ता है। अमेरिकन हथियार से भारत सरकार हमेशा से बचना चाहती है, हम लोग ज्यादातर फ्रांस से ले लेते हैं, रशिया से ले लेते हैं, और ड्रोन वगैरह टेक्नोलॉजी में बात करेंगे तो आपका इजराइल जो है सो बहुत बेहतर है। बात करें इसकी खूबी क्या क्या है, इसकी खूबी क्या है, वे सभी प्रकार के मौसम में 40 घंटे या उससे अधिक समय तक उपग्रह के माध्यम से क्षितिज पर उड़ान भर सकती है, ठीक है, किसी भी प्रकार के मौसम में काम कर सकती है 40 घंटे तक, ठीक है। भारतीय नौसेना पहले से ही तमिलनाडु के राजली हवाई अड्डे पे 2 अमरीकी प्रीडेटर ड्रोन संचालित करती है। संयुक्त राज्य अमरीका के लिए अमरीकी भारतीय रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का प्रमुख रक्षा भागीदार की सुरक्षा में सुधार करने में मदद करके विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन भी करेगा। साथ में भारत हिंद प्रशांत, इंडियन पैसिफिक जिसको कहते हैं, भारत हिंद प्रशांत लिख दिया उसको इंडियन पैसिफिक कहा जाता है, ठीक है। भारत हिंद प्रशांत और दक्षिण एशिया क्षेत्रों में रणनीतिक स्थिरता, शांति और
आर्थिक प्रगति के लिए भी महत्वपूर्ण शक्ति मतलब क्या होगा, ये साबित होगा। अपनी लंबी सहन शक्ति के कारण निगरानी और ठीक है हड़ताल क्षमता के साथ AQ-9 रिपर्स भारत के सशस्त्र बलों की खुफिया निगरानी टो ही क्षमताओं को भी बढ़ा सकता है। यह उच्च मूल्य क्षणभंगुर और समय संवेदनशील लक्ष्यों के खिलाफ हमला समन्वय टो ही करने के लिए भी अद्वितीय क्षमता प्राप्त करेगा। मतलब ये सब इसका खूबी है ये MQ-9B का, ठीक है। सशस्त्र ड्रोन भारतीय बलों का रिमोट नियंत्रित ऑपरेशन और सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी मदद कर सकता है, जैसे कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और चीन के साथ हिमालयी सीमाओं पर लक्ष्य को निशाना इससे आराम से बनाया जा सकता है। मतलब काफी उपयोगी साबित होने वाला है, इससे भारतीय सेना की ठीक है शक्ति बढ़ेगी। कौन सी सेना की शक्ति बढ़ेगी, तो भारत मतलब नेवी का भी बढ़ सकता है, एयरफोर्स का भी बढ़ सकता है, मतलब सभी जगह पे ये काम कर सकता है ओवरऑल, ठीक है। ऑलरेडी भारत जो है दो का प्रयोग कर रहा है, कौन कहाँ पे इसका दो का प्रयोग कहाँ पे किया जा रहा है, तो तमिलनाडु के राजली हवाई भारतीय अड्डे। नौसेना तमिलनाडु के राजली हवाई अड्डे पे, ठीक है, राजली हवाई अड्डे से दो अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन संचालित करती है, ठीक है, ध्यान रखिए भारतीय नौसेना करती है, ठीक है, राजली हवाई अड्डे से। आप चलेंगे हम लोग आगे, INS संध्याक नौसेना में शामिल हो गया, ठीक है। तो INS संध्याक को नौसेना में शामिल किया गया, किस प्रकार की सर्वे पोत है, ठीक है, देश का पहला और सबसे बड़ा सर्वे पोत INS संध्याक विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। अब देखेंगे INS संध्याक की खासियत क्या क्या है, तो दो डीजल इंजनों से लैस होगी, क्या होगी, दो डीजल इंजनों से लैस होगी। स्पीड कितना होगी, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड होगी, ठीक है। 11,000 किलोमीटर तक की इसकी रेंज है, जो कि बहुत बड़ी है, ठीक है। 3,400 टन इसकी क्या होगी, इसका वजन होगा, ठीक है। 18 अधिकारी इस पे सवार हो सकते हैं, साथ में 160 नौसैनिक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लंबाई कितना है, तो 288.1 फुट है, तो लंबाई आपको इंपोर्टेंट नहीं, आप इसको क्या करो, इसका स्पीड और इसका रेंज याद कर लीजिए, ठीक है। स्पीड कितना है, 30 किलोमीटर स्पीड है इसको प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद बात करेंगे इसका रेंज कितना है, तो मतलब 11,000 किलोमीटर क्या है इसका रेंज है, मतलब एक बार डीजल वगैरह अगर उसको डाल दिया तो 11,000 किलोमीटर तक क्या कर सकती है, आराम से ये चलेगी, ठीक है। उसके बाद कहीं पे इसको पोर्ट करने की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो इसका नाम क्या, INS संध्यायक, भारतीय नौसेना में शामिल किया, किस प्रकार का पोर्ट है ये, ठीक है, सर्वे पोर्ट है, कैसा है, सर्वे पोर्ट है, ठीक है, ध्यान रखे सर्वे पोर्ट है, ठीक है। कहाँ पे शामिल किया गया इसको, कहाँ पे शामिल किया गया, विशाखापट्टनम विशाखापट्टनम में, ठीक है, कहां पे, विशाखापट्टनम में इसको शामिल किया गया, ठीक है। अब देखते हैं एक यह था चार, ये सगाई का बनाता है एक, वो भी शायद बहुत सारा उसका शामिल नाम होते भी रहता है, ठीक है। अब आते हैं यह चार SBL जहाजों की श्रृंखला में पहला है, यह सीमित रक्षा क्षमताएं प्रदान करता है और युद्धकाल या आपात स्थिति के दौरान अस्पताल जहाज के रूप में भी यह काम कर सकता है, ठीक है। INS संध्या का उपयोग कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, INS संध्या महासागरों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और देश के साथ, ठीक है, देश के साथ अन्य देशों की रक्षा करने के दोहरे उद्देश्य को प्राप्त करने में भी सहयोगी होगा। इस जहाज का काम समुद्री नौ परिवहन को सक्षम करना, इसके लिए बंदरगाह, नौ वहन चैनलों, मार्गों, तटीय क्षेत्रों और गहरे समुद्र का बड़े पैमाने पर हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण भी ये करेगा, ठीक है। ये जहाज कई प्रकार के नौसैनिक अभियानों को अंजाम देने में भी क्या है, सक्षम है, ठीक है। चलिए लक्षद्वीप चर्चा है, तो आज लक्षद्वीप काफी चर्चा में रहते, चलिए लक्षद्वीप से क्वेश्चन करके और समाप्त करेंगे, कल यहीं से हम लोग क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अगाती, ठीक है, ध्यान रखें अगाती एयरपोर्ट है, ठीक है, लक्षद्वीप में एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे एक मिलेगा आपको अगाती एयरपोर्ट, ठीक है। तो भारत अगाती और मिनूकाई द्वीप समूह पे नौ सैनिक बनाएगा, नौ सैनिक क्या बनाएगा, अड्डा बनाएगा यहाँ पे। तो भारत ने अगाती और मिनूकाई द्वीप समूह में हवाई अड्डे के साथ साथ नौ सैनिक अड्डे भी स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। तो कहाँ पे, अगाती और मिनिकॉय द्वीप समूह, दोनों के दोनों कहाँ पे मिलेंगे, तो दोनों के दोनों आपको मिलेंगे कहाँ पे, लक्षद्वीप में मिलेंगे। लक्षद्वीप इसका रीजन क्या है, क्यों ऐसे करने की आवश्यकता पड़ रही, तो इसका उद्देश्य संचार और महत्वपूर्ण समुद्री भूमि को सुरक्षित करना इसका पर्पस है, ठीक है। मिनिकॉय द्वीप समूह में नए नौ सैनिक, ठीक है, मिनिकॉय द्वीप समूह में नए नौ सैनिक अड्डे का उद्घाटन, इसका नाम क्या रखा गया, किसका उद्घाटन हुआ, INS जटायु का उद्घाटन हुआ, ध्यान रखिए INS जटायु। लक्षद्वीप पर मिनी क्यू द्वीप, ठीक है, किस चैनल पे स्थित है, तो क्या बताएंगे, 9 डिग्री चैनल 9 डिग्री, ठीक है, जिसके माध्यम से दक्षिण पूर्व एशिया और उत्तर उत्तरी एशिया के रास्ते में अरबों डॉलर का वाणिज्यिक व्यापार भी होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है अगाती एयरपोर्ट, ठीक है, और वहां पे क्या होगा, तो अगाती एयरपोर्ट पर आपको क्या बनने जा रहा है, ठीक है, नौ सैनिक अड्डा भी बनने जा रहा है, एयरपोर्ट तो पहले से वहां पे है, ठीक है। लक्षद्वीप में आई थिंक दो एयरपोर्ट है, अगाती एयरपोर्ट है, कवारत्ती कुछ एयरपोर्ट का नाम है ना, दो एयरपोर्ट है वहां पर, सिर्फ आगाती है के दो ही एयरपोर्ट एयरपोर्ट होगा, है।
लक्षद्वीप में दो एयरपोर्ट है शायद, एक बार देख लीजिए, जो उतना ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन शायद दो एयरपोर्ट है। ठीक है, कल के क्लास में हम लोग 7 नंबर से कंटिन्यू करेंगे, इसको सभी लोग मार्क कर लीजिए, 7 नंबर से पढ़ कर आइएगा। और टोटल क्वेश्चन जो है इसमें 16 है, और उसके साथ हम लोग पुरस्कार और सम्मान भी कल के क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, कल थोड़ा लंबा चलेगा करंट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग क्या बिहार शुरू करने वाले हैं।